रोहतक जिले के भाली गांव के आनंदपुर में एक तरफा प्यार के चलते मुस्लिम समुदाय के युवक द्वारा शादी करके ससुराल जा रही विवाहिता को गोली मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब विश्व हिंदू परिषद ने इसे लव जिहाद का मामला बता दिया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने कहा है कि यदि देश में लव जिहाद को लेकर कानून बना होता तो हिंदू लड़कियां आए दिन मौत की आगोश में नहीं आती। सुरेंद्र जैन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश में लव जिहाद पर कानून बने। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा लव जिहाद और धर्मांतरण का गढ़ बनता जा रहा है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि जब प्रशासन को इस बात का पता था कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने में 4 दिन क्यों लगा दिए। दरअसल 1 दिसंबर की रात को जिले के बहाली गाँव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहाँ शादी के जोड़े में ससुराल जा रही दुल्हन को बदमाशों ने गोली मार दी थी। इस दौरान बदमाशों ने पहले दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक किया, फिर दूल्हे को नीचे उतारकर दुल्हन को 4 गोली मार दी। दुल्हन के परिजन दुल्हन को रोहतक के सांपला से शादी करके लाए थे। घर पहुंचने से पहले ही गांव के बाहर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। नई नवेली दुल्हन पर फायरिंग मामले का आरोप सांपला के ही साहिल नाम के युवक पर था, जो सांपला के ही रहने वाली तनिष्का को एक तरफा प्यार करता था। साहिल मुस्लिम समुदाय से आता है और उस पर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। साहिल ने 1 दिसंबर की शाम अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर सांपला के एक व्यापारी की इनोवा गाड़ी छीनी और 4 घंटे तक दुल्हन की रेकी करते रहे। फिर दुल्हन तनिष्का की विदाई हुई और 40 किलोमीटर उसका पीछा किया और ससुराल पहुँचने से पहले ही दूल्हे की गाड़ी को ओवरटेक करके तनिष्का पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी।